हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। देखिए, तबीयत बिगड़ने के बाद काफ़ी काम मेरे गार्डन में फैल गए हैं, जो कि अभी मैं बिल्कुल भी कर नहीं पा रही हूँ। और अभी थोड़ा सा एक आध सप्ताह मेरे को और रेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके मेरे को अच्छे से मैं अपने गार्डन के काम कर पाऊँगी। और अति में अगर बारिश हो रही है तो भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का अटैक, ये कीड़े मकोड़ों से डील कर पाना मेरे लिए थोड़ा या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन पे मेरे को वर्क करना पड़ेगा। और मैं काफ़ी प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी हूँ, बारिश में नहीं करना चाहिए, तभी इतने फैल गए थे, इतनी पत्तियाँ ज़्यादा बढ़ गई थी, तो सब मैं कटाई छटाई थोड़ी थोड़ी कर दे रही हूँ ताकि प्लांट मेरे हल्के हो जाएं। और जितना घना प्लांट रहता है ना, कीड़े मकोड़ों को अटैक करने का बहुत ज़्यादा चांस मिल जाता है। तो चलिए, एक छोटी सी शेयरिंग मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि मेरे एग्लोनीमा पे भी कीड़ों का अटैक हुआ, तो मैंने उनके लिए क्या किया। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं। ये देखिए, एग्लोनीमा के पत्तियों पे ये कीड़े जो होल बना रहे हैं, देखिए अभी इसमें थे और ये भाग गए अभी। ये देखिए, ये देखिए, यही कीड़ा इसकी पत्तियों को अभी बारिश में ख़राब कर रहे हैं। तो इसमें न्यू मेल का स्प्रे भी करना होगा, इनकी पत्तियों को साफ़ करते रहना होगा, साफ़ कपड़े से गीला करके इसको पोंछते रहना पड़ेगा, तब जाके इन लोग से निजात मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड, क्या है इसमें, है चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती, हल्दी और ये चौक के टुकड़े। और इसको मैं कूटने वाली हूँ, कूट कूट के इसको मैं चूरा कर लूँगी पूरा। और इसमें मैं एक कॉफ़ी का भी पाउडर मिला दूंगी। तो ये बहुत ही यूजफुल हमारे प्लांट के लिए हो जाएगा। हल्दी फंगीसाइड है और ये कॉफ़ी और ये चाय पत्ती नाइट्रोजन का स्रोत है और ये कैल्शियम का स्रोत है। तो ये तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करके इसमें डालने वाली हूँ। देखिए, एग्लोनीमा पे हम सारे जितने भी इंडोर प्लांट हैं सुंदर सुंदर, हम सबके बारे में कहते हैं कि रफ्ट अप प्लांट है, आप आग बंद करके इसको लगा के भूल जाइए। पर इस प्लांट के बारे में मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ये सेंसिटिव प्लांट होता है और कब किस बात से इसको प्रॉब्लम हो जाए इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, इसकी पत्तियाँ मैंने सारी कट करके हटा दी, रीज़न था कि देखिए थोड़े थोड़े इसकी पत्तियाँ, देखिए ये कुछ बीमारी ही इसको लगी है। तो इसको दूर करने के लिए मैं ये अपना ट्रीटमेंट रेडी की हूँ और इसकी मिट्टी में गुड़ाई करके मैं इनमें ऐड कर दूँगी। और ये मैंने अडेनियम के लिए मिट्टी रखा है, मैं इसमें भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो चौक का पाउडर है कैल्शियम, ये एडेनियम के लिए बहुत अच्छा होता है और हल्दी पाउडर है ही है, बाकी ये नाइट्रोजन के लिए ये चाय पत्ती का भी पाउडर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इसको मैं पूरा मिक्स करके इन सब में मिलाऊंगी। और इसमें जो छोटे छोटे, देखिए अडेनियम के चार सैपलिंग है, इसको मैं लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये चौथे वाला अडेनियम के सैपलिंग को भी मैं, ये देखिए रूट कितने अच्छे से हैं इसमें, यहाँ ये चारों को मैं लगा, तीन लगा चुकी हूँ, इसको भी लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ चार मैंने एडेनियम लगा दिए, अब ये मेरा इसी में बड़ा होगा। ये अभी मैं इसको रिपोर्टिंग करने वाली नहीं हूँ, ये अच्छे से इसके रूट इसमें डेवलप हो जाएं। और मैं इनमें भी गुड़ाई करके, देखिए चाय पत्ती, हल्दी और चौक का पाउडर मैंने ऐड कर दिया। तो
तो अपने तरीके से घरेलू ट्रीटमेंट ये सब करते रहना चाहिए अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, क्योंकि ये एलोनिमा भी महंगा प्लांट होता है और ये अडेनियम भी बहुत महंगा प्लांट होता है। और ये तो मेरे को एक प्रकार से गिफ्ट में मिल गए, क्योंकि इसके सीड तो मेरे उड़ गए थे और पता ही नहीं था कि उसके सीड कहाँ उड़ के गए होंगे। तो ये मेरे गार्डन के अंदर ही गमलों में कहीं जहीं मेरे को दिखाई दे गए और मैंने इनको सेव कर लिया। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ये देखिए वाइट रोज़ मेरा कितना प्यारा खिल रहा है। ये बंचेस में खिलते हैं, ये वाले रोज़ कटिंग से मैंने लगाए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।